मंगलवार को खेले गए दिन के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब को हराकर इस फेज की अपनी पहली जीत दर्ज की है। अबुधाबी में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने वाली मुंबई ने पंजाब को 135 रन पर ही ढेर कर दिया। पंजाब के लिए एडन मार्करम ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, तो वहीं कप्तान केएल राहुल ने 21 और दीपक हुड्डा ने 28 रन पंजाब के खाते में जोड़े। मुंबई की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए बुमराह और पोलार्ड ने 2-2 विकेट लिए। इसके बाद 136 के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई ने रोहित का विकेट टीम के 16 के स्कोर पर ही खो दिया। हालांकि क्विंटन डिकॉक ने अच्छी बैटिंग की और 27 रन बनाए, लेकिन टीम के लिए मैच जिताऊ पारी या कहीं मैच जिताऊ साझेदारी सौरभ तिवारी और हार्दिक पांड्या के बीच हुई। तिवारी के बल्ले से टीम के लिए बेहद जरूरी 45 रन निकले, तो वहीं लास्ट के ओवरों में हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 40 रनों की विस्फोटक पारी खेली और अपनी फॉर्म में वापसी के मजबूत संकेत दिए। मुंबई ने इस जीत के साथ ही अपनी लगातार हार का सिलसिला तोड़ा है और अंक तालिका में 5वें नंबर पर अपनी जगह बना ली है।